काफी टाइम से हम लोग जो है छुट्टियों पर चल रहे थे, घूम फिर रहे थे, आपने ब्लॉग भी देखा होगा। आज हम फिर आपके लिए चैलेंज लेके आए जो कि आप बहुत डिमांडिंग है लोगों की। टॉपिक देखे तो समझ ही होंगे हमारा आज का जो टॉपिक है किस पे हम वर्कआउट करने वाले हैं। आगे आगे देखते रहना, बहुत काम का है स्पेशली फॉर गर्ल्स, वैसे गर्ल्स के लिए ही है ये वीडियो। तो जिन गर्ल्स को अपना ब्रेस्ट का साइज कम करना है, ब्रेस्ट फैट से परेशान है, इनकी प्रॉब्लम क्या रहती है, हम गर्ल्स के साथ अगर हमारा साइज, जैसे हम लोग पेट तो कम कर लेते हैं, थाई फिर भी कम कर लेते हैं और वो अनकम्फर्टेबल कई बार नहीं लगती, लेकिन जो ब्रेस्ट साइज होता है वो इतना बढ़ जाता है कि हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है अपनी फेवरेट ड्रेस पहनने में। जो भी हम अपनी टाइट फिटिंग पहनते हैं सबसे ज़्यादा नजर जाती है हमारी अनकम्फर्टेबल ब्रेस्ट साइज में, कि हम इसको कैसे कम करें, कैसे रिड्यूस करें। कई बार तो गाइस जो लड़कियां हैं, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, ऐसे ड्रेस के ऊपर दुपट्टा पहनना पड़ता है बाहर जाने से पहले कि भैया जिस पे सूट ही नहीं करता, फिर लगता है पता नहीं क्या टिपिकल बन के जा रहे हैं। तो अगर आप इन प्रॉब्लम से उलझ रहे हो या फेस कर रहे हो, इसका सोल्यूशन आज आपको मिलेगा अगर आप ये 15 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो। कमेंट कर देना जिन जिनको प्रेस कम करना है और ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। 5 एक्सरसाइज एक्चुअली बताने वाले जिस जो डायरेक्ट आपके चेस्ट पे इंपैक्ट करेगी, जो आपके फैट लॉस में बहुत ध्यान दे बहुत फ़र्क डालेगी। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इस सिर्फ वर्कआउट से पतले होते होते तो सारी दुनिया पतली होती है, तो उसके साथ साथ आपको अपनी जबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, मतलब आपको खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट फॉलो करनी है गाइस आपको, मतलब अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग खाना, घास फूस नहीं खाना है। जितनी कैलोरीज है अपनी दिन की, चाहे वो रोटी हो चावल हो, उससे आप कंप्लीट कर सकते हो, सिर्फ अपने कैलोरीज के हिसाब से खाइए। और ये गाइस आपने लोग मेरे को बहुत डीएम करते हैं पूरा दिन भूखे रहते फिर भी मोटे हैं, तो भूखा रहना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आप मोटे होंगे। तो भूखे रहने से आपकी कैलोरीज अकॉर्डिंग, आपकी कैलोरीज 2000 की बनती है तो आपने 2000 में टेस्ट लेके खाइए, क्या दिक्कत है। जो जो कैलोरीज के हिसाब से खाओगे वही ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। 15 दिन का चैलेंज है, खराब मत करना टाइम से भी एक्सरसाइज करके, वरना आप बोलो कोई रिजल्ट नहीं आया। तो और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर कैलोरीज के हिसाब से डाइट प्लान मिलना चाहिए, तो हमारे पेज पे कांटेक्ट करिए, इन्वेस्ट कर सकती हो। तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए, एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करिए सिर्फ 12 हफ्तों में, जो आपकी फुल बॉडी का फेस से लेकर फीट तक पूरा फैट खत्म हो जाएगा सिर्फ 12 हफ्तों में। डिटेल्स के लिए गारंटेड रिजल्ट है। हमारे कई क्लाइंट्स आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप पे, आप हमारे क्लाइंट्स को चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाइए, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक करिए। और अगर आप नहीं कर सकते डाइट पता है तो सैंपल डाइट भी भरी पड़ी है वीडियो में, और साथ में वर्कआउट फॉलो कर लो, फिर बताना कितना साइज कम हुआ। इंचेस जरूर नापना जब भी स्टार्ट करो चैलेंज डे 1 से, और डे 15 पे कितना फर्क आया आपके चेस्ट में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम लेके आए अपनी 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस जो आपने करनी है, और सबसे मेन बात यह है कि ये एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं, कोई इक्विपमेंट आपको नहीं चाहिए। अगर आप जिम जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आपके जिम में चेस्ट के बहुत सारे मशीन्स होती है, डंबल्स होते हैं, लेकिन जो लोग घर नहीं जानते, खासकर से वो लेडीज़ या वो मेरी हाउसवाइफ जो जिम नहीं जाते, घर पे ही जिनको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, उनके लिए 5 एक्सरसाइज है। तो मैं इसको केवी को समझाऊंगा कैसे करना है, और केवी आपको करके दिखाएगी, आपने सेम फॉलो करना है। मेरे ट्रेनर आज के तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है मुझे बताओ जल्दी। क्योंकि 5 एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज को आपने 25-25 स्टेप लगाने हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है तो इजीली लग जाएंगे। और जब एक सेट से आप दूसरे सेट पे जाओगे तो रेस्ट रहेगा सिर्फ 30 सेकंड्स का। ठीक है गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पहली एक्सरसाइज है हमारी क्लैप जैक्स, जिसमें जैसे जंपिंग जैक्स होते हैं ना, वैसे क्लैप जैक, जिसमें आपको चेस्ट को स्ट्रेच करना है इस तरह से। ठीक है, साथ में जैक्स करना है, स्ट्रेच आगे स्क्वीज। चलो, तो ये एक वार्म अप भी हो जाएगा और आपका फर्स्ट एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो हम लेंगे 25 रैप। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 21 22 23 ऐसे स्क्वीज करना है, ऐसे स्ट्रेच करना है। 24 25 गिर जाती है बच के, ये डाल दियो। तो ये गाइस ये है हमारे 25 रैप, 4 सेट करने हैं इसके। हर एक्सरसाइज मतलब हर सेट के बाद आप 20 से 30 सेकंड का ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, अब दूसरी एक्सरसाइज। गाइस ये सेकंड एक्सरसाइज जो आपने करनी है सेम इसके भी रहेंगे, करो मैं बताता हूँ, सेम इसके भी रहेंगे, 25 रैप 4 सेट। तो पहली एक्सरसाइज है ये स्ट्रेच स्क्वीज। चलो, स्ट्रेच स्क्वीज सारी एक्सरसाइज करनी है। हर एक्सरसाइज के बाद जो दूसरा सेट लेंगे उसमें 30-40 सेकंड का रेस्ट, हर इसके 25 रैप। 22 23 24 25। हम लोग काउंटिंग गलत कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी आपको एक्सरसाइज बता पाए, पूरी काउंटिंग करेंगे तो आपको ही बोरिंग लगेगा, तो हमें जल्दी जल्दी गलत काउंटिंग करें, लेकिन आपको सही काउंटिंग करनी है। 25 करने में इतना 25 नहीं करने आपने। थर्ड एक्सरसाइज है आपकी वॉल पुशअप्स, आपने कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जहाँ भी आपको कम्फर्टेबल हो उस वॉल पे आपने सहारा लेना है, अपना आग बनाना है। चलो, सोफा में भी कर सकते हो, सोफे पे तो नहीं जाएगी दीवार। चलो, और इस पर आपने पुशअप पोजिशन पे आके नीचे जाना है, और अब ये स्क्वीज स्क्वीज स्ट्रेच स्क्वीज स्ट्रेच। इसके भी सेम अपने 25 स्टेप लगाने हैं। 25 नहीं हो पाएंगे,
अगर ये 25 नहीं हो पाते तो आप 15 10 से 12 करो गाइस, आप 10 से 12 करो, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगा, 25 पहुंच जाओगे। और 30 सेकंड का ब्रेक ले लो, 20 से 30 सेकंड का ब्रेक ले लो एक सेट के बाद। चार सेट करने आपको, फोर्थ एक्सरसाइज आपकी ये सारी एक्सरसाइज घर पे हो जाएंगे गाइस, कुछ इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको। स्ट्रेच करना है अपनी चेस्ट मसल्स को, आपने एक बार खींचना है, फोकस करो चेस्ट पे, ब्लड सप्लाई हो, फिर इसको एक बार स्क्वीज करना है, स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज, इसी के ऊपर पूरा वर्कआउट आपका बेस है। फील करना जब आप करो, सेम ऐसे 22 23 24 25 रिलैक्स। इजी था, किन किन को इजी एक्सरसाइज लग रही है जरूर कमेंट बताना। अब चलते हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है हमारी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज, जो है हमारी। तो गाइस लास्ट एक्सरसाइज आपकी फिफ्थ एक्सरसाइज है, जिसमें आपने नीचे से अपनी चेस्ट को स्क्वीज करना है, लोअर चेस्ट के लिए आपकी, जिससे आगे आपकी सैगिंग ब्रेस्ट है वो भी ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी लोअर चेस्ट पे जब फील आएगा, लोअर चेस्ट की मसल डेवलप होगी तो चेस्ट अपलिफ्ट हो जाएगी। चलो वन, नीचे से ये चेस्ट के नीचे से आता आएगा, ये 1 2 3 4, सेम ऐसे करना है, लोअर चेस्ट को स्क्वीज करना है, 5 6 21 22 23 24 और 25। ये जिम में हम क्रॉसओवर में करते, जो लोग जिम जाते हैं उनको पता चल जाएगी कौन सी जगह हम कौन सी कर रहे हैं, जो लोग नहीं जाते उनके लिए ऐसे करना है। ये पांच एक्सरसाइज थी आपकी, जो आपने घर पे बैठ के करना है, कभी भी सुबह दोपहर शाम, खाली पेट, आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद, कभी भी जब आपके पास टाइम हो कीजिए, और रिजल्ट देखिए। अगर आपके रिजल्ट कम हो जाए, क्योंकि आपको तब पता चलेगा जब आप इंचेस नापेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले इंचेस लिखिए, 15 दिन के बाद इंचेस लिखिए, और जब आपका चैलेंज पूरा हो जाए तो हमें कमेंट में थैंक यू जरूर बोल देना। आज उमंग ने हमें कुछ नहीं बोलने दिया, आज उमंग ने सारी बातें बोले। गाइस एक और चीज़ मैं आप एड ऑन करना चाहूँगी, जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था तो ऑफकोर्स मेरी भी चेस्ट बहुत ज़्यादा थी, वो मैं फोटो जरूर डालना चाहूँगी कि मैंने कैसे कम करी है। मैं जिम नहीं जाती थी गाइस, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बिल्कुल घर से ही स्टार्ट किया, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो है एकदम जिम से नहीं, घर से ही होती है। पहले अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना होता, तो मैंने अपना माइंड स्ट्रॉन्ग किया था। जिन्होंने मेरी फिटनेस जर्नी देखी हुई है वो लोग जानते हैं कि मैंने कैसे अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था, तो मैंने ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज करती जिससे मेरा चेस्ट का फैट कम हुआ था। अभी आफ्टर मैं आपके सामने हूँ, बिफोर मैं फोटो डाल दूंगी, आपको यकीन हो जाएगा। चैलेंज एक्सेप्ट करिए जरूर, उसे फॉलो करिए, 15 दिन का चैलेंज है गाइस, ऑल द बेस्ट। पसंद आया वर्कआउट तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगेन डाइट प्लान चाहिए कस्टमाइज या वर्कआउट प्लान चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट करना, हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। कमेंट में ऐसे सजेशन जरूर देते रहिए, आपके सजेशन हमारे नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक को इजी कर देते हैं, और हम लेके आते हैं हर हफ्ते आपके लिए चैलेंज लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, शेयर करिए जिनको अपना ब्रेस्ट का फैट कम करना है। और जो गाइस जो लोग ये वर्कआउट घर पे कर रहे हैं वो अपनी स्टोरी लगा के इंस्टा पे हमें टैग कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप पे हमें भी टैग कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन गुरु को भी टैग कीजिए, हम आपकी स्टोरी रिपोस्ट भी करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।